हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। तो आज मैं आपके लिए फिर एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हमारे पास ये लैपटॉप है सोनी का, आप देख रहे हैं सोनी वायो। तो आज हम इसमें बताएंगे कि सोनी के लैपटॉप में हम विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे आपको बायोस सेटिंग में ना जाना पड़े या बूट मेन्यू का आपको की ना ढूंढना पड़े, तो ईजीली आप इसमें विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे पास विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव है, आपके पास भी होनी चाहिए विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लेते हैं। अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को इंस्टॉल कर लेंगे, लगा लेंगे। तो अभी इसको हम जो है पावर ऑन जो है यहाँ से करते हैं। बेसिकली इसका जो पावर ऑन का जो ये होता है बटन, हम ये वाला इससे ऑन करते हैं। तो अभी हमें जो है इसमें विंडोज़ 10 पड़ी हुई है, हमें इसमें 7 इंस्टॉल करनी है। तो वो कैसे करेंगे हम, तो वो चलिए देख लेते हैं। हमें ये वाला पावर का बटन ना दबा के ये वाला बटन दबाना है, ये जो लिख रहा है असिस्टेंट का बटन जो है, आपको ये शो हो रहा होगा। ये वाला ना दबा के ये वाला दबाना है। तो चलिए इसको एक बार दबाते हैं, ये मैंने दबा दिया। तो अब देखते हैं स्क्रीन पे क्या आता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम विंडोज़ इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये वाला बटन ना दबा देना है सिर्फ एक बार। तो लैपटॉप हमारा ऑन हो गया। तो इसमें कुछ ये फंक्शन आ गया है, कुछ इसका मेन्यू आ गया है। तो हमको इसमें विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करना है, इसमें ये बता रहा है कि सभी के इसमें जो है आ गए हैं फंक्शन की। तो हमें यूएसबी ड्राइव से विंडोज़ इसमें इंस्टॉल करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यूएसबी ड्राइव का इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, स्टार्ट फ्रॉम मीडिया यूएसबी डिवाइस। तो इसमें आपको F11 प्रेस करना है। तो इसमें हम F11 प्रेस कर देंगे। तो अभी ये रिस्टार्ट होके हमारी जो फ्लैश ड्राइव है, जो यूएसबी हमने लगा रखी है इसमें पेन ड्राइव विंडो की, उससे बूट करने लगा है। तो विंडो की लोडिंग चल गई है, विंडो इसमें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। बाकी तो आपको विंडोज़ इंस्टॉल आनी आती होगी करनी, तो इसमें यही हमको बताना था कि इसमें आप विंडोज़ का बूट मेन्यू में कैसे जा सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। अभी ये विंडो इंस्टॉलिंग चल रही है इसमें। हम इसे विंडो सेलेक्ट कर लेंगे, हमें इसमें कौन सी विंडो डालनी है। तो हम इसमें अल्टीमेट डाल लेते हैं 32 बिट। पार्टीशन बना लेते हैं, पहला ड्राइव 100 GB का बना लेंगे विंडोज़ के लिए, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। पहला ड्राइव हमने 100 GB का बना लिया, बाकी जो बचा हुआ है इसमें 500 GB है, उसको हम बना लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। तो हमने इसमें पार्टीशन बना लिए हैं, तो जो हमने 100 GB का जो बनाया था उसमें विंडो इंस्टॉल कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, विंडोज़ इसमें इंस्टॉलिंग चल गई है।
तो फ्रेंड अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप नए चैनल पे, ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।